हेलो दोस्तों, मैं किरण, मेरा यूट्यूब चैनल खुशी किरण विलेज ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो इस ठिठुरती सर्दी में गर्मा गर्म पीठा खाने का अलग ही मज़ा है, और पूस का महीना भी चल रहा है तो इसे बनाना तो बनता है। तो मैं आज आप सभी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट, बिना कोई तेल घी यूज किए आलू का पीठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। आप लोग मेरे इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में पानी गरम की, उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डाली। इसको थोड़ा देर पकाना है, और ऐसा करने से जो चावल का आटा है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और पीठा भी सॉफ्ट बनता है। इसका एक और तरीका है कि ऐसे ही गर्म पानी में आप गूंथ सकते हैं, लेकिन मैं ये पहली बार इसको उबाल रही हूँ। इसे चाड़ना भी बोलते हैं, गर्म पानी में चाड़े हैं इसको। तो मैं इसे गूँथ ली अच्छे से। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने देती हूँ। तब तक आलू मेरा बॉईल हो रहा था, क्योंकि मैं आलू का पीठा बनाने वाली हूँ। तो मेरा आलू बॉईल हो गया, तो मैं इसे छील लेती हूँ। उसके बाद इसे मैं फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में तेल गरम की, उसमें थोड़ा कटा हुआ प्याज और मिर्च डाली। अब इसे थोड़ा देर भूनने देते हैं। जब ये पूरी तरह से फ्राई हो जाएगी, तब इसमें थोड़ा अदरक भी डाल रही हूँ, और लहसुन कूट करके मैं इसमें डाल चुकी हूँ, और इसमें इसका टेस्ट के लिए अजवाइन भी थोड़ा डाल रही हूँ। इससे जो होता है ना कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं इसे थोड़ा मटर भी डाल रही हूँ, क्योंकि मटर मेरे बागान में था तो मैं तोड़ के लाई थी। अगर मटर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा नमक और हल्दी डाली। अब इसे मैं अच्छा से फ्राई करूँगी। उसके बाद जो आलू हम छील के रखे थे, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ करके मैं इसे डाल रही हूँ और पूरा फ्राई करूँगी। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा धनिया पत्ता भी डालूँगी, इससे जो है मेरा पीठा जो है वो टेस्टी लगेगा। तो मैं इसे धनिया पत्ता मिला रही हूँ, और मैं देखिए गिलास से मैं इसे मैस रही हूँ, क्योंकि आलू मिक्सर से अच्छा से उतना अच्छा मिक्स नहीं होता, इसीलिए मैं गिलास से ही करती हूँ। तो देखिए, मेरा तब तक ये जो आटा था वो भी अब अच्छे से फूल चुका है। तो मैं इसे अब भरना शुरू करती हूँ। तो मैं देखिए छोटा छोटा कटोरी बना करके मैं इसे भर रही हूँ। और आलू का पीठा ही मैं ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि आलू का पीठा मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। बाबर वही ला पसंद करना चाहते हैं, इसीलिए मैं वही बनाती हूँ। तो मैं देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं भर रही हूँ। और देखिए, अब मेरा पूरा भर आ गया। अब मैं इसे बॉईल करूँगी। तो मैंने इडली पोट लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी की, और जब पानी पूरा बॉईल हो गया तब इसमें मैं थोड़ा सा इसको जो उसका ये है बर्तन, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसे डाल के ढक दी। अब लगभग 20-25 मिनट मैं इसे पकने दूँगी। अब 20-25 मिनट जब तक हो रहा है, तब तक मैं दूसरा पिठा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फिर से तो उसको डालना है जो बचा हुआ है। तो मैं इसे देखिए भर रही हूँ, और इसे भरने के बाद इसे थोड़ा सा मोड़ देने से ना वो डिज़ाइन अच्छा आता है, वो पिड़किया का डिज़ाइन बन जाता है। और मेरा बेटा को तो पसंद है, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है अकेले भरने में, तो मैं अपना बेटा को भी बुलाई। ये मेरा बड़ा बेटा है, वो भी जानता है थोड़ा भरने के लिए, तो वो हेल्प कर दे रहा। और ये आलू का पीठा इसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये थोड़ा मेरा हेल्प किया। उसके बाद मैं सारा इसी तरह से मैं पूरा भर ली। तब तक मेरा जो पीठा बॉईल हो रहा था वो भी उसका 20-25 मिनट हो चुका है, तब मैं इसे निकालूंगी। देखिए निकल गया, और कितना अच्छा से पक गया है। अभी ये थोड़ा गर्म है, जल्दी निकलेगा नहीं, तो थोड़ा मैं 5 मिनट इसको ठंडा होने देती हूँ, फिर मैं इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। अब बर्तन में निकाल लेने के बाद देखिए मेरा पीठा
कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में ये उतना ही टेस्टी है। बहुत लोग इसे बाद में काट के फ्राई भी करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं आता, मेरे बच्चों को ऐसा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा ही बनाती हूँ। तो देखिए मेरा पीठा कितना अच्छा बन गया है। तो देखिए दोस्तों मेरा पीठा कितना परफेक्ट बना है, और थोड़ा ये फट गया है क्योंकि इसको निकालने में टूट जाता है, ये आप लोग से भी ऐसा होता होगा। और मुझे उतना अच्छे से बनाना नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी जो भी है मैं बना लेती हूँ। और ये पीठा मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, ये आलू वाला पीठा है। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, थैंक यू। और आप लोग भी इस तरह से पीठा ज़रूर एक बार बना के देखिए, आलू वाला आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। तो मेरा ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।